के लिए आप मीडिया को बुलाएंगे तो आना है या नहीं आना है, या आप बुलाएंगे तो हम आएंगे। आपके कार्यकर्ता ने आज मुझे जो है ना बदतमीजी की और गाली दी, माँ बहन की गाली दी कि तुमको क्यों बुलाया, कौन बुलाया गया तुम्हारा, मेरे पास वीडियो एविडेंस भी है। भैया जी, मैं अपने कार्यकर्ता के तरफ माफ़ी मांगती हूँ। नहीं, वो लोग इतनी बदतमीजी कर रहे हैं मीडिया के साथ, मैं बोलने के बावजूद भी वो जो है ना मुझे माँ बहन की गाली दे रहे, मेरे कैमरे में पूरा वीडियो है। मैं एक ही बात, वोट मांगने के लिए निकली है या जो है ना आप जो है ना गुंडों को लेके निकले मिसबिहेव करने के लिए? एक मीडिया के साथ इतना मिसबिहेव कर रहे हैं तो होटल के साथ कितना करेंगे ये लोग? जब लोग हमारे साथ चलते हैं तो उसमें हमारे कार्यकर्ता भी रहते हैं, उसमें जो हमारे कार्यकर्ता नहीं है वो भी रहते हैं। मीडिया वालों को जिनके वजह से भी हो अगर तकलीफ पहुंचा या आपको कुछ हमारे वजह से गाली मिला तो उनके प्रति हम आपसे हाथ जोड़ते हैं और माफ़ी मांगते हैं। बार बार बोलने के बावजूद भी बदतमीजी क्यों कर रहे हैं मैडम? बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैं मीडिया का पर्सन हूँ, उसके बावजूद भी मैं, मेरा काम कवरेज करना है ना मैडम, आप बोल दीजिए हम मत आइए, मीडिया पर्सन हम नहीं आएंगे कल। सुनिए भैया, कवरेज के लिए नहीं आएंगे। नहीं नहीं, आप एक बात सुनिए, धूप में जो है हम लोगों को चार चार घंटे फिरना पड़ता है, आप जरा इत्मीनान से सुनिए हमारी बात। जय श्री राम। चलो जरा आप हमारी बात इत्मीनान से सुनिए, आप हमारे बात भैया जी, आप हमारे बात इत्मीनान से सुनिए। जो 3 घंटे 4 घंटे में ख़त्म करने का पद यात्रा, हमारे प्रति जो प्यार और मोहब्बत लोग दिखा रहे हैं, आप स्वयं देख रहे हैं हम कितना देर पद यात्रा में चलना पड़ रहा। हम जितना भी मीडिया वालों को प्रार्थना करके बता रहे हैं कि भैया आप कवरेज कर लो हल्का से दूर से, लेकिन हमको बात करने का टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन मीडिया वालों को भी हमसे इतना ही प्यार है कि वो हमारा बाइट्स लेना चाह रहे हैं। इन सारे के वजह से 4 से 5 घंटा निकल जा रहा है हमारा। आप सोचिए, हम सुबह भी जाना, फिर शाम में जाना, फिर अगले दिन सुबह जाना चाहिए, हमारा तबीयत का देखभाल भी आपको भी तो समझना पड़ेगा ना। अब आप बताइए, या इसका मतलब ये है कि आपके कार्यकर्ता की अहमियत ही मीडिया की अहमियत नहीं है आपके पास? कि मैंने कहा, मैंने तो फिर आपका जो माफ़ी मांगी तो उसको आपको कोई कदर नहीं है? माफ़ी का बात नहीं मैडम, तो फिर किस बात का? क्यों कर रही है लोग मिसबिहेव, मीडिया के साथ मत करिए, ऐसा बोलिए ना। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, क्या कह रही हूँ मैं, आप जो हमारे कार्यकर्ताओं के वजह से आपको जो तकलीफ पहुँचा है उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। मैंने किया ना वो बात, तब तब यही तो कहते ना, जब कोई माफ़ी मांगते हैं उसको आगे निकल जाना चाहिए ना भैया, है नहीं बात।